हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड के निकटवर्ती ग्राम धुंधला में पानी के लिए मची है त्राही त्राही। महिलाएं हो रही हैं परेशान। पिछले 15 दिनों से कृष्णा कॉलोनी धुंधला में पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से महिलाओं में आक्रोश है। मोहल्लेवासी लक्ष्मी देवी ने बताया कि पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से मोहल्लेवासी परेशान हो रहे हैं। महिलाओं में आक्रोश व्याप्त है। इनका कहना है कि समय पर अगर जलापूर्ति नहीं हुई तो मजबूरन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं मूल निवासी काशीराम ने बताया कि सरपंच को कई बार अवगत करवाया है मगर सरपंच ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं इस मोहल्ले में कुआं है जो भी जर्जर अवस्था में है, साथ ही खुला पड़ा है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मोहल्ले में नालियां नहीं होने की वजह से गंदे पानी का भी भराव होता है जिससे कि मच्छरों की भी भरमार हो रही है, बीमारी फैलने की भी पूरी आशंका है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए लक्ष्मी देवी मोहल्लेवासी इन्होंने ये कहा। बिल्कुल, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि 15 दिन से बोरिंग खराब है, इसकी कोई सुविधा वो नहीं है, सुनवाई नहीं है। सरपंच को फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाता है। आगे आगे अधिकारियों को फोन करा लेकिन वो आके देखते नहीं है हमारे को। और बरसात में हमारे परेशानी है, इधर कुआ है और कुएं से हमारे हादसे का डर है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, उसका जिम्मेदार सरपंच होगा, उसकी जिम्मेदारी सरपंच लेगा। और ये बोरिंग को ठीक कराए, बोरिंग ठीक नहीं होती है। 15 दिन पहले कभी नहीं हुई हमारे यहाँ बोरिंग ठीक। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।